हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत डिलीशियस है एंड इजीली आप इसको विद इन 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। देखते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने ये 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें मिल्क ऐड करेंगे। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे या फिर ठंडा होना चाहिए। इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए स्मूथ पेस्ट बनाना है इस तरीके से। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें ये सेमिया या सेमैया जो भी आप बोलते हो ऐड करेंगे एंड इनको रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है नहीं तो ये जल जाएंगी। इनको रोस्ट होने में 4 to 5 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए सेमियाँ रोस्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ, ये 2 ग्लास दूध ऐड किया है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। इस तरीके से बीच बीच में चेक करते रहेंगे। सेमियों को जब तक पकाना है जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। देखिए सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। सेमियाँ सॉफ्ट हो रही हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा इलायची पाउडर है इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास दूध और ऐड किया है कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे। यहाँ पे जो मैंने कस्टर्ड का पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड करेंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। देखिए जब आप कस्टर्ड का पेस्ट इसमें मिक्स करेंगे तो जो कंसिस्टेंसी है इसकी वो थिक हो जाएगी। इस तरीके से चलाते रहेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। सेमियाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं और कंसिस्टेंसी भी इसी तरीके की रखनी है। ये देखिए अभी ठंडा होने पे और भी ज़्यादा ये थिक हो जाएगी। ये देखिए अभी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा करके, जिससे कि ये एकदम चिल्ड हो जाएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक ये मैंने 1 टेबल स्पून चिया सीड लिए हैं, इनको सोक करके रख दूँगी। ये इस तरीके से इनको मिक्स करके और 15 मिनट के लिए साइड से रख देंगे। 15 मिनट के बाद में सबसे पहले चिया सीड डालेंगे, आपको जितना क्वांटिटी में रखना है। 1 टेबल स्पून रुआबसा, 1 टेबल स्पून बनाई थी वो ऐड करेंगे। इसके बाद में फ्रूट्स आप अपने चॉइस के रख लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, जो भी आप पसंद करते हो तरीके से ऐड कर लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इनसे गार्निश करेंगे। थोड़ी सी सेमियाँ और ऊपर से डालेंगे, टूटी फ्रूटी, जिस कलर की भी आप डालना चाहें। इस तरीके से थोड़ा सा रुआबसा और ऊपर से डालेंगे,
एंड लीजिए, आपका डिज़र्ट बनके तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स करके सर्व कीजिए। आई होप आपको ये डिज़र्ट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।